All right, so my name is Amarjot Singh. I'm in Edmonton, और मेरी बात हो रही है राजीव से. आप अमेरिका में हैं, is that right? Yes, sir. आप अमेरिका में हैं और सैन होसे कैलिफोर्निया में हैं. पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि आपसे मैं बात कर रहा हूं. उसकी दो रीज़न हैं. पहला तो है कि आप H-1B वीज़ा पे अभी हैं या स्टूडेंट बन के आए हैं और आप कैलिफोर्निया में रहते हैं, इसलिए बड़ी खुशी है. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं जो अमेरिका में या स्टूडेंट की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं या H-1B प्रॉब्लम के लंबे I-140 के लेबर सर्टिफिकेशन को जूझ रहे हैं. नॉर्मली मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में बात करो. बहुत तरह से कई लोग कहते हैं पंजाबी में बात करोगे, हिंदी में, कहीं लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरे को रहते हुए काफी टाइम हो गया और मेरे को जब भी कोई इंडियन आदमी मिलता है तो मैं हिंदी में बोलना पसंद करता हूं क्योंकि हिंदी में अपनी मेरे को लगता है कि मेरे को अच्छी एक वो लग रहा है. इंग्लिश से थक जाता हूं कई बात करते कि आपने अगर दो चाइनीज लोगों को देखा होगा तो चाइनीज लोग आप में हमेशा चाइनीज से बात करते हैं, करेक्ट. लेकिन हमारा इंडियंस में ही ऐसा है, इंडियन एक दूसरे को इंग्लिश में बोल के एक दूसरे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरे को बात चलती नहीं है. तो दूसरी बात यह है कि आप लखनऊ से हैं और लखनऊ मेरा आना जाना काफी है, एक तो कैलिफोर्निया का नाता और दूसरा लखनऊ का, इसलिए मेरे को बड़ी खुशी हुई है. आप अपने सवाल मेरे को बताएं और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सलूशन देने के लिए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा. आप अपने सवाल पूछे मेरे से. ठीक है सर. तो पहला तो मतलब छोटा सा बस बैकग्राउंड ये है कि मैं अभी यहाँ स्टूडेंट वीजा पे हूँ और ये मेरा इस साल H-1B अटेम्प्ट था, वो पिक नहीं हुआ. एंड लास्ट ईयर तो मेरे को ग्रेजुएट होके जॉब ही लेट लगी, तो वो अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया. एंड आई हैव वन मोर अटेम्प्ट. तो मैंने सोचा कि उसके बाद भी इंडियंस को 15-20 साल लग रहे हैं ग्रीन कार्ड के, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक्सप्रेस एंट्री ट्राई करते हैं. तो सर IELTS दिया और फिर ऑगस्ट 23rd वाले ड्रॉ में मेरा पिक हुआ था. देन सेप्टेम्बर 23rd को सबमिट कर दिया था. तो अब रिसेंटली मेडिकल पास हो गया, बैकग्राउंड चेक चल रहा है. तो इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन था सर कि बैकग्राउंड चेक मींस कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स अब सारे सही हैं, जो वर्क रेफरेंस लेटर्स थे मैंने जो दिए थे और वो जो सारे एजुकेशन, मेनली वर्क रेफरेंस एंड प्रूफ ऑफ फंड. डू यू थिंक आई एम एट दैट स्टेज इन विच आई हैव पास्ड दैट या इट्स हार्ड टू टेल? सवाल अच्छा है. अपना जो बैकग्राउंड चेक होता है ना, बैकग्राउंड चेक में से तीन तरह के चेक हैं. एक तो है आपका क्रिमिनल वेरिफिकेशन जो PCC देते हैं, FBI की चेक और इंडिया की सर्टिफिकेट. एक तो वो चेक है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी, कि कहीं जिंदगी में 18 साल के बाद आपके बैकग्राउंड में कोई क्राइम तो नहीं है. क्राइम की बहुत लंबी डेफिनेशन है, अब क्राइम पे अभी हम बात करने नहीं कहेंगे, लेकिन मोर और लेस आप क्राइम फ्री हैं, इतना इतना है उसका ख्याल. दूसरा होता है जो बैकग्राउंड चेक होता है वो है मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी, कोई मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तरह तरह के वो करते हैं. आप मैरिड हो ना? नहीं सर, सिंगल हूँ अभी. सिंगल है तो ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं, क्योंकि फैमिली में कहीं पर भी हस्बैंड वाइफ बच्चे में कहीं भी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो हो जाता है. और तीसरा जो चेक है जिसको आप बैकग्राउंड चेक आपने कहा, वो है कि जितने भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है एक्सप्रेस एंट्री में, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर इंग्लिश, इंफॉर्मेशन your employment verification या और कोई travel history या जितनी भी information डाली है, that is called fact checking. मैं आपको दो तीन example दे दूँ, उससे थोड़ा सा clear हो जाएगा. कि कई बार मेरे पास ऐसे client होते हैं कि जिन्होंने employment history में कुछ लिख दिया कि मेरे पास ये फलाना employment है और उसकी ज़्यादा जो documents हैं वो पुख्ता नहीं है, छोटी सी company है या कोई pay stub सही नहीं है या कोई इस तरह की थोड़े से ना मतलब इट्स नॉट वेरी हैवी वेट. ऐसी नहीं कि यू आर वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल, इमीडिएट चेक हो जाए, उसको चेक करने में टाइम लगता है. कई बार एजुकेशन के जो जो होते हैं, आजकल तो चलो WES वगैरह हो गया ECA हो गया तो उसमें ईजी होता है, पहले उसमें भी टाइम लगता था. फिर तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा, कई बार ऐसे भी केस आ जाते हैं कि IELTS भी लोगों ने कुछ पकड़े गए हैं पहले, IELTS किसी के फर्जी निकले हैं. अच्छा, हाँ ऐसे भी हो सकता है. तो इस तरह से डॉक्यूमेंट चेकिंग में ये सब बैकग्राउंड का पार्ट है. डॉक्यूमेंट चेकिंग ये सब इनका बैकग्राउंड चेक का एक पार्ट है. फिर पुरानी अगर किसी की इमिग्रेशन हिस्ट्री हो, लेट्स से शायद आपके उसमें ना हो, लेट्स से कि मैं कई बार ऐसी कंट्री गया हूँ जहाँ पर वो सस्पेक्ट है कि पता करने में क्यों जा रहा है, जैसे मैं आई डोंट नो के इराक या अफगानिस्तान में दस्तक गया हूँ तो उसकी चेकिंग है. इस तरह के
बहुत तरह के यूनिक सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं बैकग्राउंड में, जिसको कहते हैं बैकग्राउंड चेक, और वो चेकिंग में टाइम लगता है. लेकिन लेकिन यूएस में, अब मैं यूएस की बात बता दें, यूएस में जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, यूएस, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है कि यूएस यूएस और कनाडा की कितनी दोस्ती है आपस में, कितने इनको ऐसे घुले मिले हुए हैं. वो हवाई वाले पकड़ी गई थी, उसका आपने बताया वाले कि यूएस की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए इनको ज्यादा टाइम लगता नहीं है. ये वजह ये है कि यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट जो है, एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा चेक करने में टाइम लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइड ऑन योर 1040 और पे स्टब्स में, आपके W4 में है, वो इजी है. जो यूएस की कई बार जो एजुकेशन है वो तो क्लियर ही है. कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है इंडिया में, आपने सुना कुछ यूनिवर्सिटीज, फेक यूनिवर्सिटीज भी बहुत हैं आजकल, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह से भी है. तो वो यूएस में प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश के स्कोर है जो IELTS वो करते हैं, उसमें भी ज्यादा चेकिंग नहीं करते. तो यूएस की जो इन्फॉर्मेशन चेक करनी, FBI का तो कोई चक्कर नहीं है, यूएस की इन्फॉर्मेशन चेक करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और वन ऑफ द फास्टेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो ये है बैकग्राउंड के अंदर. ठीक है, तो सर मैं ये बैकग्राउंड देता हूँ कि मेरे को क्यों थोड़ा सा एंग्जाइटी, ऐसी मेरी वो हैबिट है, एंग्जाइटी हो जाती है. क्योंकि क्या हुआ था, जब मैंने सबमिट कर दिया था, जब AOR आ गया था, मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसीव, देन आई रियलाइज कि जो मेरा प्राइमरी NOC कोड रेफरेंस लेटर है, उसमें उन्होंने ऐसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, आवर्स पर वीक लिखना ही भूल गए. तो मैंने फिर वो ठीक कराया, एंड जो CSE रिक्वेस्ट फॉर्म से, वेब फॉर्म से सबमिट कर दिया एजेंट्स को एक्सप्लेन करके, एंड 4-5 दिन बाद उनका आ भी गया कि वी हैव एक्सेप्टेड इट. तो मेरा यही कंसर्न था कि उनके पास लेटेस्ट वाला पहुंचा कि नहीं. सेकेंडली क्या हुआ था कि जो मेरा सेकेंडरी NOC कोड है वो प्राइमरी से डिफरेंट है. तो मतलब सेकेंडरी NOC कोड में आई वॉज अ वेब डेवलपर, एंड प्राइमरी में आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर. तो प्राइमरी वाला मेरा 2283 है, एंड सेकेंडरी वाले में मैंने 2174 दिया था बिफोर ITA, बट आफ्टर ITA आई रियलाइज कि नहीं, 2175 मैच करता है. तो वो मैंने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में दे दिया था और वो चेंज कर दिया था. तो बस मेरा यही कंसर्न है कि कहीं वो उसको गलत ना माने और रिफ्यूज ना करते. आपने कुछ जो बातों का जिक्र किया उसको हम हल्के हल्के धीरे धीरे करके उसको अलग अलग पार्टीशन करते हैं. पहली बात तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, और मैं कई लोगों से कहता हूँ, लोग शायद इसको समझते हो ना समझते हो, कि एक्सप्रेस एंट्री में हर चीज का अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसको आपने कहा एक्सप्लेनेशन लेटर, तो वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है पूरे फाइल के अंदर. एक्सप्लेनेशन लेटर में क्या है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन है, कोई एम्बिग्यूटी है, या चेंजिंग है, जैसे आपने कोड चेंज किया है फैमिली NOC का, तो वो एक्सप्लेनेशन लेटर में अगर आप उनको बता देंगे तो उनके दिमाग में पड़ जाएगी, और बाकी आपके जो फाइल में, जिसको कहते हैं हम रेड फ्लैग कहते हैं ना, कभी कभी रेड फ्लैग समझते हैं ना, तो आपके फाइल में रेड फ्लैग नहीं होगा. एक तो वो मेरे को बड़ी खुशी है कि तो आपने उसको अच्छी तरह किया है. मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि यूएस में जो रहते हैं H1B वाला, तो उनको यू नो दे आर बेटर स्मार्ट इन डूइंग दिस. दूसरी बात जो आपने कहा कि IRCC के वेब फॉर्म पे आपने वो अपलोड करके जो किया है, वो ही बेहतरीन और फाइनल तरीका है कोई भी कॉन्टैक्ट डालने का, कोई भी उनको कन्फर्मेशन देने का, क्योंकि इमीजिएटली दैट गोज टू इनटू द लाइक ऑफशोर लाइक कॉल सेंटर टाइप का जो है, वहाँ से उनको वो स्ट्रीमलाइन करते हैं यहाँ से, तो और उन्होंने इमीडिएटली आपको जवाब दे भी दिया कि वो आ गया. एक जो बात आपने करी ना कि NOC कोड जो है, प्राइमरी NOC कोड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, सॉफ्टवेयर है, कोई IT स्पेशलिस्ट है, कोई ऐसा अच्छे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, और सब में मेरे ख्याल ज़्यादा फर्क नहीं है. अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आप यू कैन प्रीटी मच बी इन वन ऑफ. तो अगर किसी ने लेट्स से कि 2171 में प्राइमरी NOC डाला है और ITA आने के बाद अगर वो चेंज करता है, तो दैट इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने के लिए, बशर्ते कि आपके पास मैच करने के लिए जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है जॉब है ऊपर है, उसमें से आपकी जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन की जो स्टेटमेंट्स हैं जो NOC में मैच कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेंज कर सकते हो. कई लोगों का सोचना है कि करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपने लेट्स से के कोई और एग्जांपल में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हार्डवेयर कर दिया, तो वो उल्टा पड़ जाएगा. तो वो उल्टा पड़ सकता है, तो एकदम से वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा मैच नहीं करेगा. तो बाकी छोटा मोटा उसमें मैच, छोटा मोटा डिफरेंस है उसमें, वो चलता है. तो जैसे कि आपने कहा उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. सो ओके,
हाँ सर। अच्छा अब सेकंड आता है तो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो वियतनामी सिटीजन है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, हम मिले यहाँ थे 3-4 साल से चल रहा है, तो वही जो मैंने आपकी मैरिज वाली वीडियो देखी थी, क्योंकि मेरा प्लान ये है सर कि मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब सपोज जनवरी फरवरी इफ आई गेट माई OPR सो देन आई वुड डू माई लैंडिंग अराउंड जून जुलाई, गर्मी में ही जाऊँ तो बेटर है, टोरंटो में लैंड करूँ, एंड वंस आई गेट माई PR कार्ड देन वी, तो फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर। सो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या उसको विजिटर वीजा पे बुलाऊं, कनाडा में ही करूं मैरिज, और फिर जो इस हमारी जो पूरी लॉग्स है, मतलब कि मैसेजेस एंड व्हेन शी विजिट्स मी एवरी ईयर वंस और ट्वाइस, तो हम विजिट करते हैं, वो सारे मेरे पास प्रूफ्स हैं, प्लस मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर विटनेसेस, सो हाउ शुड वी गो अबाउट इट, पहले क्या करना चाहिए, उसको विजिटर वीजा पे लाऊं? मैं बता देता हूँ। हाँ पहली बात तो आपका सवाल ही बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और कई बार मैं जब वीडियो में बात करता हूँ क्लाइंट से, तो मैं हमेशा देखता हूँ सवाल ऐसा मेरे को मिले जिसको मेरे को जवाब देने में भी मजा आए, और जिसमें जिसमें कानून की गुत्थियाँ खोलने का मेरे को एक मौका मिले, और तीसरा जो है जिससे बहुत लोगों को फायदा हो चुके। तो ये तीनों जो आस्पेक्ट हैं इस सवाल से निकलते हैं। मैं आपसे एक दो सवाल पहले पूछूंगा, फिर मेरा जवाब मैं दूंगा आपको, श्योर। कि ये जो लड़की है वियतनामी से लड़की है, ये ऑलरेडी अमेरिका में अभी है नहीं सर, वो पढ़ के चली गई थी 3 साल। यहाँ से पढ़ के अब वियतनाम को चली गई है, हाँ, और यहाँ आती रहती है सर विजिटर वीज़ा पे US। आती रहती है। तो ये अमेरिका की ना वो H1B पे है ना ग्रीन कार्ड, कुछ नहीं है अमेरिका लेना। तो आप जो स्पॉन्सर करोगे तो वो आप वियतनाम से करोगे। सर मैं इन कनाडा स्पॉन्सरशिप करना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा है इन कनाडा आउट ऑफ मैं कनाडा उसका सर। उसके बारे में भी अलग से मैं उसके उसके भी अच्छा राज खोल दूंगा आपको। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि लेट अस से कि जनवरी फरवरी में आपकी अगर लैंडिंग होती है, PR जाते हो, तो शादी करने का कब का आपका ख्याल है? सर, मतलब एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ 2019, यू नो। मतलब कि अगर आप जनवरी फरवरी में गए तो आप दिसंबर तक शादी करोगे? शादी हाँ। कहाँ करोगे? सर वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कनाडा में कर लूँ तो सर्टिफिकेट वगैरह वो मिल जाएंगे जो कि फिर स्पॉन्सरशिप में अप्लाई होंगे। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं कंफ्यूज ये था कि उसको एक्चुअली पढ़ना है सर, उसको मास्टर्स डिग्री करनी है, तो मैं कह रहा था कि US में ना करे कनाडा में करे, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या वो अपना स्टूडेंट, बता बिकॉज रहा आई हूँ डोंट वॉन्ट देम टू फील कि मैं, ये कोई कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट। H1B इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी अकल की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आपकी प्लानिंग लंबी चलती है और अच्छी प्लानिंग डिटेल आपकी इन्वेस्टिगेशन रहती है, इसलिए मैं H1B इंजीनियर्स वाले से वैसे ही मोहित हूँ मैं। दो तीन बातें इसमें समझने वाली हैं। अगर आप चाहे शादी कहीं भी करो, आप उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन वाइज वो ठीक है। अगर आप शादी अमेरिका में करो, अगर वो आती रहती है अमेरिका में है, तो अमेरिका में किसी भी काउंटी क्लर्क के पास आप शादी कर सकते हो, सेंटा क्लारा में भी कर सकते हो जहाँ पर आप हो। चाहे वियतनाम में करो तो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कनाडा में करो, कहीं शादी की वो जो मैरिज सेरेमनी हो गई जैसे भी होती है, छोटी मोटी होती है, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आपको प्रोसीड करना, एक तो ये बात है। लेकिन एक बार आपकी शादी हो गई और आपका PR है, आप PR बन गए, PR बनने के बाद आप शादी करते हो, तब उसका कनाडा में वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा बिठा लो उसको। एक बार उसकी शादी होगी, जब वो फॉर्म भरेगी कनाडा वीजा के लिए, तो उसमें अभी तो कनाडा वीजा उसके पास है नहीं है, नहीं है, नहीं तो है। अगर वो टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, विजिटर वीजा कुछ भी वो भरती है जब कनाडा के लिए, तो अगर वो ऑलरेडी मैरिड है और वो लिखती है कि माई हस्बैंड इज अ PR, फिर उसको वीजा मिलना डबल मुश्किल हो जाएगा, हो सकता ओके है मुश्किल। ये एक बात ध्यान रखना। अगर उसको किसी तरीके से लीगली किसी तरीके से उसका अभी ही कनाडा वीजा मिल जाए, मतलब आपकी शादी होने से पहले, शादी होने से पहले अगर उसको कनाडा का वीजा मिल जाए, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ यू, मतलब आपसे लेना देना नहीं, योर बॉयफ्रेंड दैट्स ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ यू मिल जाए, तो बहुत सारे जो रास्ते सुगम हो जाएंगे। उसका उसका कैसे होगा कि लेट्स से कि उसका मार्च अप्रैल में उसका विजिटर वीजा मिल गया और आपसे वो मिलने आना जाना शुरू हो गई, 6 महीने की एंट्री मिली और आपसे मिल रही है, टोरंटो में रह रहे हो आप लोग, यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, फिर आपकी शादी चाहे वहाँ पर टोरंटो में हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है, वहीं पर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो इन कैनेडा का एप्लीकेशन प्रोसेस आप कर लेना, उसको कोई चक्कर नहीं है।
मैं आपको और दुनिया जो देख रही है उनको बता दूं कि इन कनाडा और आउट ऑफ कनाडा का क्या है, फंडा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि क्यों इन कनाडा दोनों में क्या है। इन कनाडा उसके लिए बना हुआ है, जैसे आप स्पॉन्सर हो, आपके पास पीआर है और आपकी फॉरेन वाइफ को आप स्पॉन्सर करते हो, तो आप दोनों इकट्ठे रह रहे हो, आप विजिटर वीजा पे आए हो या स्टडी वीजा पे। इनफैक्ट कई केसेस मैंने ऐसे किया जिनके पास वीजा भी आउट ऑफ स्टेटस हो गया, उनका भी हो गया काम। अच्छा अच्छा जी। तो ऑब्जेक्टिव इज कि आप दोनों साथ रह रहे हो, दिस इज कॉल्ड कोहैबिटेशन। तो दोनों साथ रह रहे हो, दोनों को हम लोग जुदा नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ फैमिली यूनिफिकेशन। दोनों की एप्लीकेशन को यहीं पर शादी करके यहीं पर कर दो, तो इट टेक्स टाइम, साल लगता है, लेकिन आपको वाइफ को छोड़ना नहीं पड़ता कनाडा, दैट इज कॉल्ड इन कनाडा। लेकिन इसी को अगर, लेकिन आप सोचे अगर वाइफ की बहुत जॉब अच्छी है वियतनाम में और वो सोच रही है कि 2 महीने बाद हमें हैनोई जाना है, वहां पर जाना है, छोड़ना है, आना जाना है, तो फिर वो इन कनाडा सूटेबल नहीं है। इन कनाडा अगर जॉब आप करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कनाडा छोड़ के वियतनाम मत जाओ। ओके, तो वो 1 साल नहीं जा सकती मतलब वियतनाम, बहुत ही इमरजेंसी अगर कोई बात है तब नहीं जा सकती, लेकिन जाने को जा, कोई डेथ हो गई कुछ है तो जा सकती है, अलग बात है, लेकिन ऑर्डिनरली उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप जैसे आप जाओगे तो आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा वीजा लेना पड़ेगा या दोबारा वीजा वैलिड है, फिर वो पूछेंगे कि भाई आप क्यों आ रहे हो। तो अगर पुरानी, अगर पहली जो पहली स्टेज अप्रूवल हो गई हो तब तो आने देते, लेकिन अदरवाइज वो जब वो दोबारा आएगी तो बोलेंगे यू आर नॉट अ विजिटर, यू आर द वाइफ ऑफ अ पीआर, व्हाई आर यू कमिंग हियर, बिकॉज़ योर इंटेंशन इज नॉट टू कम हियर एज अ विजिटर, योर इंटेंशन इज टू कम हियर लॉन्ग टर्म, दैट्स अ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम नाउ। ओके, अल्टीमेटली अगर उसको यहाँ पर 1 साल तक कर रहने का अगर उसका जुगाड़ है या रह सकती है तब तो इन कनाडा चलता है। एक तो ये फर्क है इन कनाडा आउट ऑफ कनाडा में। दूसरा फर्क ये है कि अगर इन कनाडा एप्लीकेशन कभी रिफ्यूज होती है, कभी रिफ्यूज हो जाती है, तो उसमें कोई अपील राइट्स नहीं है। दैट मींस कि आप अपील नहीं कर सकते इमिग्रेशन बोर्ड में कि भाई इसको दोबारा क्यों कर दिया आपने। लेकिन अगर बाहर से करते हैं, वियतनाम वाले से करते हैं, तब अपील, जैसे कई बार इंडिया के बहुत होते हैं तो उनका इमिग्रेशन बोर्ड है या, तो वहां पर अपील हो सकती है, लेकिन इन इन कनाडा में अपील राइट्स नहीं है। तो ये 2 differences हैं जो आउट ऑफ कनाडा और इन कनाडा के स्पॉन्सरशिप में ये आपको माने होने चाहिए। लेकिन अगर तो 2 बातें हैं, अगर तो उसको पास कनाडा विजिटर वीजा है और आके वहां पर रह रही है आपके साथ, तो इन कनाडा वो कर सकती है, बशर्ते कि वो 1-8 साल आपके साथ टिक सकती है, तो वो उसके लिए बेस्ट है, नंबर वन। दूसरी बात यह है जो आपने बात करी है स्टडीज की, तो आपने उसे पढ़ाई करनी है। अब सोचना ये है कि जेब में पैसा कितना है। अगर तो वो एज अ फॉरेन स्टूडेंट पढ़ेगी तो उसकी जो नॉर्मल जो रेसिडेंस है, जैसे मैं हूँ और जैसे कोई है, तो उससे उनकी 4 गुना ज्यादा फीस चलनी है। मास्टर्स डिग्री में क्या पढ़ना है उसे? सर अकाउंटिंग पढ़नी है सर, बट वो अभी पीजी डिप्लोमा जो नहीं है, ये अपना जॉर्ज ब्राउन कॉलेज जो वो सर, जॉर्ज ब्राउन ने क्या, जॉर्ज ब्राउन कैसे नाम आया, मतलब उसमें एडमिशन ले रहा, लेना है, ले चुकी है क्या, मतलब? नहीं नहीं लेना है उसमें, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पढ़ते हैं जॉर्ज ब्राउन में, हम्बर में, तो जॉर्ज ब्राउन का उसको अकाउंटिंग प्रोग्राम अच्छा लगा। अच्छा, तो वहाँ पर उसकी एजुकेशन क्या है वियतनाम में? वियतनाम में सर उसने लॉ किया है, इकोनॉमिक्स में, तो वो अभी वहाँ पे जॉब करती है एक लॉ फर्म में एज अ ड्यू डिलीजेंस, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। मैं आपको साइड से एडवाइस अगर दे दूं, क्योंकि आपने शायद पूछा ना हो, ऐसा ना हो कि उसका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो जाए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से जरा फूक के कदम रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि स्टडी वीजा, क्योंकि उसने लॉ पढ़ी है, कुछ और काम कर रही है, अकाउंटेंसी में डिप्लोमा में लेगी, अगर कोई स्टूडेंट वीजा डिनाई हो जाएगा तो सारा आपका जो प्लान खटाई में पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बड़े सोच समझ के लेना कि किसमें लेना। मैं चाहता हूँ कि अगर उसने लॉ पढ़ा हुआ है तो वो किसी लॉ, पैरालीगल, ऐसे कोई रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में एडमिशन ले, तब जाके बन सकता है। या अगर उसने अकाउंटेंसी पढ़नी है तो बैचलर्स ऑफ अकाउंटेंसी कोई बड़ा कोर्स ले, बड़ी यूनिवर्सिटी में ले, छोटे मोटे जॉर्ज ब्राउन में बात बनने वाली नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इसको पग को फूंक फूंक के रखने वाली बात है। अगर स्टूडेंट वीजा डिनाई हो गया तो आपका सारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा फिर, इसका मतलब वो आपको वियतनाम से शादी करके वहीं स्पॉन्सर करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। ये आप समझ लेना। अगर तो वो स्टडी वीजा पर आ गई तब तो 1-2 साल के जितना भी कोर्स है वहां रहते रहते आपके साथ, तो इन कनाडा तो स्पॉन्सर के लिए सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। तो अगर बाहर से करोगे तो बाहर करने में फिर वो वियतनाम के वीजा ऑफिसर वो उसको करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, उसमें भी 1-1.5 साल लग जाएगा मेबी, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त करीब 15 महीने लगते हैं, अब वियतनाम में पता नहीं कितने लगते हैं, होची मिन सिटी में कितने लगते हैं, विच आई डोंट नो, वी कैन चेक इट ऑनलाइन। ये एक एक बात ध्यान करने वाली। दूसरी बात आपको ये सोचना है कि आपको शादी करनी कब है। अगर तो आपका जो पीआर और लैंडिंग आपकी दिसंबर में या जनवरी में हो रही है,
तो बहुत ही इजी है भाई, हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता हूँ मैं, और सबको मैं बताना चाहता हूँ आपको भी, ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं कि जहां पर जैसे आपका पीआर हो रहा है, पीआर होने वाला है 3-4 महीने बाद, अगर आप शादी आज कल में 1-2 महीने में कर लोगे तो उसको कुछ चक्कर ही नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ ही पीआर लेके आपके साथ आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि आप इसको मैं दोबारा समझा दूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ समझा दूं कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री चल रही है प्रोसेस, जब तक आपको वीजा इश्यू नहीं होता, जब तक पासपोर्ट वीजा स्टैम्प नहीं होता, उसके आप एक दिन पहले, मैं कहता हूँ कि 1 घंटे पहले भी अगर आप शादी करके उनको मैरिज सर्टिफिकेट दे दोगे कि भाई साहब उनका भी वीजा स्टैम्प मत करना, मेरी शादी हो चुकी है, वो कहेंगे ठीक है हम नहीं करते हैं, आपकी फैमिली जुड़ चुकी है, आप फैमिली की इन्फॉर्मेशन भरो, फैमिली के 2-3 फॉर्म्स भरने होते हैं वो डालो, मैरिज आईएस देना पड़ेगा सर उसको, कुछ नहीं देना ना, उसको आईएलएस देना है ना, उसको एजुकेशन करनी है, उसकी उसका वीजा तभी लगना है, उसका वीजा क्यों लगना है, क्योंकि वो एक पीआर होल्डर की, जो आप हो पीआर होल्डर की वो अर्धांगिनी है, इसलिए उसका वीजा लग जाना है वैसे। तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ कि भाई ये इजी है या लंबा वो करोगे वो इजी है। क्या होगा कि एक मन में एक सांत्वना आ जाएगी, एक शांति बन जाएगी कि मेरी पत्नी मेरे साथ ही आएगी। तो क्या होगा कि आपका जो वीजा लगना है, जैसे कि जनवरी में लगना है, क्योंकि उसके जो आपके जो ऐड हो गया उससे आपके 3-4 महीने आगे डिले हो जाएगा, मतलब कि जो आपको मार्च में जाना था वो आपको जुलाई अगस्त में तक जाओगे आप, मतलब क्योंकि उसका भी पीसीसी चाहिए, उसका भी मेडिकल कराना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ना हो कि उसमें कोई उसकी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, ये भी पता कर लेना भाई, ऐसा ना हो कि अगर उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम आएगी तो आपकी पीआर भी गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ना हो कि उसके अगेंस्ट कोई क्राइम का कोई चार्ज लगा हुआ, वियतनाम में उसने कोई मर्डर किया तो आप भी गए। पहले से चेक करने वाली है भाई, तो सब क्लियर वीर है कि नहीं है, जब क्लियर हो तब आगे जोड़ दे और देन वी कैन गो फ्रॉम देयर। ये आपका ये एक और मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि आपको बात मेरी समझ में आ रही ना पूरी? हाँ, मैं समझ रहा हूं। मैं एक बात और ऐड कर दूं, बाय चांस लेट्स से आपका वीजा स्टैंप हो गया फरवरी में, आपको वो कुछ महीने देंगे कि जाने के लिए, लेट्स से कि आपको 6 महीने देते हैं कि यू कैन लैंड एंड फ्लाई टू टोरंटो इन मे बी जुलाई ऑल्सो, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पीआर वीजा लग भी गया एज अ सिंगल, लेकिन आप जाए ना टोरंटो, आप कनाडा में लैंड ना करें, शादी आप पहले करें, करने के बाद फिर आप जाके जो कैनेडियन आपकी जो काउंसलेट है लॉस एंजलिस में, वहाँ उन्हें बता सकते हैं कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको पहले ऐड करो फिर मैं जाऊँगा, तो भी वो कर देंगे। अच्छा ओके, आपकी लैंडिंग होनी नहीं, एक बार लैंडिंग हो गई तब खेल खत्म हो गया, उसके बाद तो फिर स्पॉन्सरशिप ही होगा, उसके बाद अभी नहीं होगा। अभी तो ये है कि आपको पीआर जो कार्ड मिलने से पहले, जो लैंडिंग होने से पहले, अगर आपकी फैमिली में, मेरे पास कई एग्जांपल ऐसे भी हैं जहां पर, एक दिल्ली का एग्जांपल है, वो शायद मेरी बात सुन भी रहे हो अभी, कि पीआर वीजा मिलने के बाद उनके 2 बच्चे हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, लेट्स से कि प्रेगनेंसी, बीच में प्रेगनेंसी है और बच्चे हो गए, तो बच्चे हो गए, बच्चे साथ में है, हमारे हस्बैंड वाइफ को वीजा लगा हो, अब बच्चे क्या करें, तो बच्चों का ऐड किया और बच्चों को वो ठहर के 2-3 महीने बाद फिर जल्दी, मैं सोच रहा था कि 3-4 महीने लगे, उनका शायद मेरे ख्याल 2 महीने भी लगे। अच्छा अच्छा, तो बट उस स्टेज में भी वो पूरी प्रोसेस होगी, मतलब स्पाउस का पीसीसी एंड मेडिकल एंड ऑल दैट। हां स्पाउस का सब होगा। हां सर, वो चक्कर यही है सर, ये आपका सजेशन अच्छा, बट यही है कि मेरा चक्कर ये जो स्टूडेंट वीजा है ना, जो वर्क परमिट है ओपीटी यहां का, वो जुलाई में एक्सपायर हो रहा है, तो मेरे लिए बड़ा ट्रिकी हो जाएगा यूएस से। आपका अगर ओपीटी नहीं, तो आपका यहां पर आपको रहने की जरूरत, जैसे आपका ओपीटी एक्सपायर हो रहा है जुलाई में, तो आप वहां से आप दिल्ली चले जाओ, उसमें क्या इंडिया चला जाओ। हाँ हाँ, वीजा आपके पासपोर्ट लगा हुआ है, आपको जरूरी थोड़ी है कि आपको लॉस एंजलिस से फ्लाइट पकड़नी है, सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट पकड़नी है, आपके पास वीजा लगा है, आप जाके दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में जब थोड़ा सा रंगरेलिया मनाओ, होली होली खेलो, वहां पर कुछ करो, और उसके बाद फिर लेके आ जाना वहां पर। और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए भी है 2-3 महीने का, तो आप उनसे एक्सटेंशन कर दो, उनसे कह दो भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आज फैमिली सिचुएशन है और मैं 2 महीने बाद दिवाली तक जाऊंगा, तो वो कर देंगे। तो सर स्पॉन्सरशिप में जितना आपने बताया, मुझे लग रहा है ज्यादा सेफ तो आउट ऑफ कनाडा ही है उस हिसाब से, बट यही थोड़ा डिले हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। दोनों के रिस्क फैक्टर अलग हैं, दोनों के रिस्क फैक्टर अलग हैं। अब वियतनामीज के बारे में मेरे का एक्सपीरियंस नहीं है वियतनाम में, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देके बता दूं क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन, जब आप कनाडा पहुंचोगे और एज ए पीआर उसको स्पॉन्सर करोगे,
फिर उसमें एक टाइम फैक्टर भी है, पहले एप्लीकेशन आपकी कनाडा में एक सेंटर है वहाँ जाएगी, वहाँ से फाइल ट्रांसफर होके हो ची मिन्ह सिंह जाएगी, हो ची मिन्ह में पता नहीं कितने केस आगे पेंडिंग है, और उसमें इंटरव्यू करना नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं करना, कई बातें, मैरिटल हिस्ट्री करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, अगर होगा तो उसमें इंटरव्यू में घंटे का इंटरव्यू होता है, फिर वो चेक करेंगे तुम कैसे मिले, क्या मिले, तुम्हारी मैरिज है, फ्रॉड है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, बट हे इफ द केस इज परफेक्ट शी विल गेट द वीजा एंड लॉट ऑफ पीपल डू गेट द वीजा ऑन. मैंने कई बार इसमें वीडियो बनाई है कि ऑन एन एवरेज दिल्ली में, दिल्ली की बात मैं कर दूँ, न्यू दिल्ली हाई कमीशन में रोज के करीब 10-15 केसेस रोज के डिसाइड होते हैं स्पाउस वीजा के, मैरिज स्पॉन्सरशिप के, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है. अब वियतनाम में कितना लोड है विच आई डोंट नो, दिल्ली में तो करीब करीब 40% केसेस जो है वो डिनाई होते हैं रोज. जैसे 10 केस अगर रोज है तो 4 तो केसेस में रोज डिनाई होते हैं, दैट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज. अब वियतनाम में क्या है नहीं है, वो यू हैव टू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स के दिस इज द राइट वे और नॉट. अगर बाई चांस अगर वो डिनाई हो गया देन इट गोज टू अपील, फिर वो खर्चा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा. तो ये सब बातें सोच समझ के आप देखोगे क्या करना है. बेटर ये है कि व्हाट आई सजेस्ट इज बेटर ये है कि अगर उसको वीजा मिल जाता है पहले, या तो विजिटर वीजा या स्टडी वीजा, सोच रहे दैट हैज मोर रिलायबिलिटी की भी हाँ ठीक है हाथ में अपनी चीज में तो पकड़ में आ गई है, तो कम से कम जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जुदा नहीं होंगे एटलीस्ट यू हैव अ टाइम टू यू नो मीट एंड you know, get to understand कि आपको टोरंटो में रहना है, कहाँ रहना है, वैंकूवर रहना है, मॉन्ट्रियल रहना है, कहाँ जॉब मिलती है, there are a lot of factors here. Right, right. तो सर फिर यही करते हैं या तो कि मैं उससे पूछता हूँ उसका क्या माने, अगर उसे जॉब ही करनी है वहाँ अभी तो विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करवा देता हूँ, हम शादी वादी जहाँ भी करनी कर लेंगे, प्रोसेस शुरू करवा दूंगा आउट ऑफ कैनेडा. लेकिन एक चीज, एक चीज मैं आपको बता दूँ, फिर भी बता दूँ आपको, कैनेडा की जो ट्रैवल जस्ट लाइक अमेरिका की जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना, उसके पास अमेरिका का वीजा लगा हो तो इट्स अ गुड गुड इंडिकेटर फॉर फ्यूचर फॉर कैनेडा ऑल्सो. लेकिन अगर किसी रीजन से कैनेडा का वीजा, वेस्टर्न वीजा, स्टडी वीजा रिफ्यूज हो गया तो ये आगे आगे सब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी. प्रॉब्लम कैसे, दो प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो जाएंगी वो बता दूं मैं. एक तो वो इन कैनेडा आप कर नहीं सकते, ठीक है. दूसरा है कि आप जो एक्सटर्नल जो स्पॉन्सरशिप करोगे उसमें वो हिस्ट्री में आ जाएगा कि इसका रिफ्यूज हुआ है, तो वो इंटरव्यू जब आएगा तो उसमें उसमें वो उसको ट्रैप कर लेंगे कि भाई आपका पहले विजिटर वीजा रिफ्यूज हुआ है, आपने ऐसा तो नहीं कि इस चक्कर में आपने शादी करी है. ओह आई सी. तो शादी के जेन्युइननेस पे एक सवाल निशान लग सकता है. जबकि आपकी, मेरे को कोई डाउट नहीं है, जबकि आपकी जो जो रिलेशनशिप हिस्ट्री है वो काफी एक दो साल पुरानी है, विजिटर वीजा से पुरानी है, तो उसका एक यू हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस के भी कब चैटिंग हुई है, वीडियो कॉलिंग हुआ, जो ऑफ कोर्स दूसरे को कोई गुलाब का फूल दिया है, वैलेंटाइन वगैरह जो भी दिया है, वो सब में वो आ जाएगा. लेकिन फिर भी एक एक इसको कहते हैं ना कि सिर पे एक तलवार लटक जाएगी भाई इंटरव्यू में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. नहीं वो तो सही है सर, वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट हम जितना प्रिकॉशन ले. तो सर ये है उसकी, मैं बस हिस्ट्री ये बता दूं कि वो पहले यहाँ स्टूडेंट वीजा पे थी और तभी हम मिले थे, फिर वो राइटफुली चली गई मतलब वापस, फिर विजिटर वीजा में उसने मुझे 3 बार विजिट किया और वापस चली गई, तो उस हिसाब से उसकी कोई कभी कुछ रिफ्यूज तो हुआ नहीं, मतलब इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी है उसकी, उस हिसाब से अगर आप. लेकिन मैं आपसे पूछूं, मैं क्योंकि मैं, मेरा जो मेरे को जानते हैं और जो मैं इमिग्रेशन का काम करता हूं, मेरा एटीट्यूड हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहा है एज फार एज लॉ इज कंसर्न. मैं लॉ को, कानून को पकड़ के चलता हूँ, जो भी सेक्शन है उसको मैं बिल्कुल सामने लेके चलता हूँ. और मैं आपसे ये पूछूं कि लेट अस अज्यूम कि आज वो विजिटर वीजा फॉर्म भर रही है हैनोई में, ठीक है, और आप बैठे हो टोरंटो में, आप पीआर बन गए, आप टोरंटो में बैठे हो और अब वो विजिटर वीजा फॉर्म भर रही है, तो वो 2-3 सवाल जो विजिटर वीजा में लिखने हैं कि भी आप कहाँ जा रहे हो, क्या एड्रेस है, किससे मिलने जा रहे हो, तो क्या लिखेगी वो? हाँ सर, मैं तो सोच रहा था अपना ही दूंगा कि मेरे तो, फिर तो शक हो जाएगा ना कि आप हो कौन, कौन है वो आदमी, कौन है, किससे मिलने जा रहे हो, वो क्या लगता है आपका? फिर उसको लिखना पड़ेगा कि अगर लिखोगे बॉयफ्रेंड तो वो विजिटर वीजा नहीं देंगे. मैं आपको बता दूं, और भी जो दो लोग देख रहे हैं, ये जो सिस्टम होता है ना कि गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही है, बॉयफ्रेंड मंगेतर को मिलने जा रही है, दिस इज नॉट अ वे टू गेट द विजिटर वीजा. क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही है तो वापस आएगी नहीं, फिर आप विजिटर नहीं रह गए, फिर आप तो लॉन्ग टर्म एक इमिग्रेंट हो गए. चक्कर तो मैं आपसे पूछूं, चलो आप पीआर भी लेके नहीं पहुंचे, आज की डेट में अगर विजिटर वीजा अगर भर रही है तो फॉर्म आज कहाँ किससे मिलने जाएगी,
तो उसके उसके अंकल हैं, रिलेटिव हैं उसके वहाँ पे, वो मोस्टली उनका टोरंटो में, टोरंटो में वो बिजनेस है सर कुछ उसका, तो उनका उनसे, उनसे पहले आप उनसे गुफ्तगू कर लो भाई कि अपनी भांजी को भतीजी को आपको बुलाना है, तो उसका भी से उसको सॉलिड करो एप्लीकेशन कि वो काम कर रही है, इतनी तनख्वाह मिल रही है वियतनाम में, अगर वो अंकल जी से मिलने आ रही है तो अंकल जी क्यों बुला रहे हैं, उसके घर रहेगी, कितना पैसा है, नहीं है, कितने दिन की छुट्टी है, दो हफ्ते की छुट्टी है, ये सब बातें पहले क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बार बार इसको बहुत जोर देके कह रहा हूँ कि अगर विजिटर वीजा डिनाई हो गया तो आपका सारा प्लान खटाई में पड़ जाएगा। बात सही है सर, सही है। तो सर अब यही देखना है कि विजिटर वाला करें या प्रॉपर स्टूडेंट वाला करें और वो अपना जाए स्टूडेंट पढ़ाई करें। स्टूडेंट वीजा में अगर उसके पास जेब में पैसे हैं, अगर उसके पास जेब में पैसे हैं या कनाडा के अंकल जी उसको पैसे दे रहे हैं, तो स्टूडेंट वीजा इज द बेस्ट। हाँ 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 पैसे हैं सर, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके पास पैसे हैं और उसको वाकई पढ़ाई करनी है, जो भी पढ़ना है उसे पढ़नी है, एजुकेशन लेनी है, तो फिर स्टूडेंट वीजा बेस्ट है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, IELTS होना चाहिए उसके पास, और तो फिर स्टूडेंट वीजा करें, फिर तो आप विजिटर वीजा को छोड़ ही दो आप। ठीक है सर, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। तो मैं हाँ वो अब मैं डिस्कस करूंगा अपने लेवल पे, वो तो मेरा पर्सनल है। सो दैट इज़ वेरी गुड सर, ये बड़ा अच्छा क्लियर हो गया मुझे, नहीं तो ये तो मेरे को सोने नहीं देती थी ये चीज़ें रात को। तो I'm glad आपको मैं नमस्कार करता हूँ कि जो चीज़ आपको सोने नहीं दे रही थी, कम से कम आज उसका निवारण तो हो गया। नहीं सर बिल्कुल सर, आप तो पता ही है हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ रह रहे हैं, और मैं तो एक एक चीज, एक एक एप्लीकेशन जो लोकली करता हूँ उसको मैं इतना बारीकी से, तो आई डोंट वांट टू बी ऑन द क्रॉस हेयर एनी पॉइंट, स्पेशली नॉट एज अ फ्यूचर पीआर, यू नो। वैसे ट्रंप के बारे में जो आपने कहा ना कि सोने नहीं देते वो नहीं होते, लेकिन मैं ट्रंप की जो पॉलिसीज के बारे में, अभी इस वक्त ये फोरम नहीं है कि ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में बात करूँ, बहुत लंबी बात निकल जाएगी, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी से मैं काफ़ी पॉलिसी से मैं सहमत हूँ, और चाहे तो इंसान कैसे भी हों लेकिन उसकी जो पॉलिसी से मैं सहमत हूँ, और मेरे को तो उनकी पॉलिसीज के बारे में अगर कोई डिबेट करनी पड़ी तो मैं उसकी कई पॉलिसी को मैं सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि अभी जो बॉर्डर पे आपके कहीं हैं, आपके घर में अगर 10 लोग अगर आ जाए बाहर बोले कि हमें अंदर आना है तो आप घर में थोड़ी आने दोगे, अगर बॉर्डर का मतलब ही चेकिंग नहीं है तो फिर खोल ही दो, फिर तो आने की जरूरत क्या है, फिर तो आप ऐसा करो अपने US गवर्नमेंट को पूरे बोल दो भाई मेक्सिको वाले तुम सारे ही आ जाओ, बॉर्डर की जरूरत ही क्या है फिर तो। उनको मैंने क्लियर बता दिया था 6-8 महीने पहले कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है मेरा H1 हुआ नहीं, एंड दे नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इंडियंस टू गेट ग्रीन कार्ड। सो उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिमोटली काम कर सकते हैं। अब क्या सर उनका ऑफिस नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं कि वो एज अ कंसल्टेंट, कि फिर आप एज अ कंसल्ट, क्योंकि यू कैन नॉट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप राइट, बिकॉज यहाँ का मेरे पास वीजा नहीं है। तो उसका मैं पूछा था कि कनाडा में मेरे क्या होंगे, डू आई नीड टू इनकॉर्पोरेट या अपना कुछ खोलना पड़ेगा, या आई कैन जस्ट बी एन कंसल्टेंट पर से एंड आई पे द टैक्सेस टू कनाडा, मतलब कोई, क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कनाडा में रह रहे हैं PR होल्डर होकर, और आपको जो भी इनकम मिलती है USA या कहीं भी और से, उसको आपको जो कैनेडियन जो इनकम टैक्स है उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितनी हमारी वर्ल्ड वाइड इनकम है, वो आपको करना पड़ेगा, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी कंपनी से जो US एम्प्लॉयर है उनसे पूछ लें, क्योंकि आपके पास एक EAD नहीं US का, डेट मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज टू वर्क, तो उस सिचुएशन में आपको हायर करते हैं ऑन 1099 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो जैसे हायर करते हैं, वो उनसे क्लेरिफाई कर लें कि यू विल लूज द राइट टू वर्क फॉर अ US कॉर्पोरेशन। सो वो उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे वन टाइम पेमेंट देते हैं, जैसे कि यू हायर, अब जैसे घर में अगर कोई मैं प्लम्बर हायर करता हूँ, कोई जनरेटर हायर करता हूँ, सो वी पे देम ऑन अ यू नो लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो वो आप क्लियर कर लें। बाकी कनाडा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ से पैसे उन्हें तो टैक्स मिलना है। दूसरी बात यह है कि जो आप टैक्स अभी दे चुके हैं US में, तो जब आप US एग्जिट कर जाएंगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो कोई बनेगी नहीं, ठीक है, आपका तो खेल खत्म हो गया वहाँ पर। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे जो ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं US या इवन US सिटीजन है, अगर वो काम करते हैं यहाँ पर
तो यहाँ पर टैक्स करते हैं, तो यूएस और कनाडा की एक टैक्स एक वो होती है टैक्स एग्जम्पशन की ट्रीटी है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, कुछ खास नाम है उसका, जिससे कि अगर आप एक जगह टैक्स देते हो तो दूसरी जगह आपको एग्जम्पशन मिलता है। सर तो एक इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक इंडिया में था हमारा इंजीनियर जिसका 3 बार H1 नहीं हुआ, तो वो वहीं से काम कर रहा था, अब उसका हो गया इस बार, तो अब वो आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि कंपनी उसका कैसे करती थी पेरोल, तो उसने यही बोला कि एज अ कंसल्टेंट, एंड वो कंपनी बिना टैक्स काटे उसे चेक देती थी और वो इंडिया में फिर टैक्स रिटर्न फाइल करता था इंडिया का। सो मेरा क्वेश्चन ये, मुझे कोई एंटिटी तो नहीं खोलनी कैनेडा आके ये करने के लिए? डू आई नहीं ना, आई जस्ट नीड टू रिपोर्ट माय टैक्सेस, माय पेचेक टू द एंड एज ए इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर यू कैन डू। आपको आपको वो कंपनी सोल प्रोप्राइटर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल कर सकते, क्योंकि जैसे आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका होता है वहाँ, यहाँ पर आपको एक नंबर इश्यू होगा विच इज कॉल्ड अ सोशल इंश्योरेंस नंबर, तो उसके अच्छा तो उसमें बस मुझे अपना डालना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब कोई आई डोंट नीड अ कॉर्पोरेशन नेम और ना 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 अरे वाह ओके कोई कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, यही यही क्वेश्चंस थे और काफी क्लियर हो गया कि क्या है। आप सर जी, हम मैं बिल्कुल थका नहीं, आप सवाल भी सवाल पूछो, मेरे को सवाल का जवाब देने में ही मजा आ रहा, बड़ा लुत्फ आ रहा है मेरे को। हाँ नहीं सर, बट आई थिंक इतने ही थे, और मेरे को एक्सप्रेस एंट्री का जबरदस्ती वो मुझे एंग्जाइटी रहती कि यार मैंने सही से भरा कि नहीं, बट वो आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि हाँ, और स्पाउस वाला क्लियर हो गया। अब मैं अपने लेवल पे देखूँ कि मैं हाउ टू वी गो अबाउट इट, बट अभी जल्दी पता चल गया तो ये अच्छा है। एंड रिमोट वर्क वाला, क्योंकि 99% मेरी कंपनी ने मुझे बोली दिया है कि दे लेट मी वर्क फ्रॉम देयर, एंड मैंने उन्हें ये भी क्लियर कर दिया कि मैं कोई वापस H1 ना करें और मैं वापस नहीं आ रहा, आई विल मेक कनाडा माय होम, तो वहीं आए वहीं अपना आराम से PR एंड सिटीजनशिप। आपकी की 140 लगाई है उन्होंने? नहीं 140 क्या सर? अच्छा, नहीं अच्छा, वो तो सॉरी आपका H1B है ही नहीं अभी तो, वो सॉरी है नहीं अभी है ही नहीं, है ही नहीं H1B है ही नहीं, सॉरी OPT पे हूँ। हाँ OPT पे हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि फ्यूचर में भी ना लगाएं अगर आपको कि नहीं नहीं जॉब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हो तो कनाडा में ढूंढूंगा, टोरंटो में वैसे काफी अब टेक जॉब्स हो गई हैं, इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो आपको आपको अगर अगर आपको व्हाट आई थिंक इज आपको आपको करना चाहिए इसके अभी से आप जैसे आपकी एक वो dice.com है ना एक, जैसे dice.com वैसे ही आप यहाँ पर मेरे को नाम पता नहीं और कौन कौन सी है, आप गूगल पे सर्च करें एक जैसे मॉन्स्टर पे, तो एक इंडीड है, इंडीड इज जस्ट एग्रीगेटर, इंडीड तो सबको इकट्ठा कर देता है, जैसे एक वर्कोपोलिस है .ca है, तो okay, आप okay, अभी से एक अलर्ट बना ले जॉब सर्च का अभी से ही, और उनको आप बता दें कि भाई कि मैं ऐसे से आ रहा हूँ, ये मेरी स्किल है, अभी से टच पे रहे तो आपको हो सकता है कि आने से पहले ही आपके लिए कुछ ऑलरेडी लाइन अप है, यू विल नॉट वेस्ट टाइम। या दैट साउंड्स गुड, वो एक बात अभी कर सकते हैं। वो बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार आप किसी भी शहर में चले गए तो उस शहर से निकलना थोड़ा सा उसमें जहाँ से आपने अपार्टमेंट ले लिया कार ली वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जहाँ जा सकते हैं, लेकिन तीन ही शहर हैं जहाँ पर IT जॉब्स वगैरह ऐसे कुछ मिल सकती हैं, वो है टोरंटो आपने कहा, दूसरा वैंकूवर और तीसरा मॉन्ट्रियल, तो तीनों जगह IT जॉब्स हो सकती हैं, तो आप पहले ही से अगर आप करें तो आपको यू विल सेव एक्सपेंसेस इन गोइंग टू अ रॉन्ग सिटी। राइट, ये तीनों जो टोरंटो और वैंकूवर तो डेफिनेटली ये महंगे शहर हैं, तो सैनोसे से ज़्यादा महंगे है बाय द वे, जहाँ पर आप रह रहे हो उससे ज़्यादा महंगे है, क्योंकि ये सब काम इनके ज़्यादा मेन डाउनटाउन वगैरह में, मतलब इट्स डेंस। सर मैं एक्चुअली रियल एस्टेट देख रहा था, तो मुझे लगा कि जो वो नियर बाय टाउन है ना, मिसिसिपी एंड यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क, वहाँ अभी भी रेंट्स काफी बेटर हैं कंपेयर टू बे एरिया। बात घूम फिर यही हो जाएगी ना कि आपको यू आर वेस्टिंग टाइम इन कम्यूटिंग। यस करेंगे, सो व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू एंड अदर पीपल इज कि अगर आप पहले से हम रिसर्च करके चलेंगे तो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं पंजाबी में खजल ख्वार, ज़रा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं वो तो आप सही बोल रहे हैं, पहली से लेकर आप करेंगे तो वो सही रहेगा, दैट्स ऑल इट इज। बाकी ठीक है, दाना पानी जहाँ है तो वहीं जाना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग, और कोई एक सवाल है कोई आया तो जरूर पूछे आप, मैं और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आपके वीडियोस तो मैं वैसे भी देखता रहता हूँ, और बड़ा बुरा लगता है कि लोग पैसे दे रहे हैं, अब तो पासपोर्ट ही दे दिया एक जन ने, मतलब तो, बट आई एम ग्लैड यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड आई होप कि और लोग भी देखें आपका चैनल।
बहुत अच्छा, मैं तो देखता रहूंगा इवन आफ्टर मूविंग टू कनाडा। लोग एक्चुअली देखते जरूर हैं, लेकिन आपको बताएं कि हैरानी वाली बात है, करते वही हैं जो वहां पर लोकल जो कंसल्टेंट है वो उन पे को हिप्नोटाइज कर देते हैं ना कि आपका काम ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने पीछे का आपको अगर देखा होगा, मैंने पीछे अभी 2 हफ्ते पहले एक गोरखपुर का आदमी था, एक हाँ, देखा सर, हाँ, देखा। गोरखपुर का आदमी था, वो स्काइप से बात कर रहा था, तो वो अपने घर पे, उसने घर पे भी दिखाया उसके घर पे कहाँ रह रहा है, ऐसे जैसे छोटे से वो लगा, जैसे कि हमें लगा कि लाइट भी नहीं है घर में उसके, तो उसने दिखाया कि वो ड्राइवर करता है, सऊदी से आया, तो वो गरीब मेरे को बड़ा लगा, और जैसे उसकी लैंग्वेज थी, मैंने कहा तुम गोरखपुर के हो, तुम वहाँ के चंडीगढ़ में कहाँ फंस गए क्या है, तो किसी ने कहा कि तुम्हें नौकरी दे देते हैं, उसके 50,000 रुपये पता नहीं लोन लेके उसने दिए, और इस बीच इस दौरान उसके शायद घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या फादर की भी डेथ हो गई, तो उसके मेरे पालते मेरे देखो मैं गंजा हो गया, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद भी वो कई लोगों ने मेरे को कहा कि अरे इसका क्या होगा क्या, ये तो वैसे ही वो है, ये तो लुटना ही था ये सब का, लेकिन आप मानेंगे नहीं, उस वीडियो को देखकर या पता नहीं किसको देखकर कुछ लोगों ने देखा जो ऑलरेडी पुलिस विभाग से संबंधित थे। हाँ, अच्छा तो अच्छा मैंने एक किसी को फ़ोन किया, मैंने उनको आग्रह किया भाई इसकी हेल्प करो कुछ है, एनीवे कुछ 10 दिन बाद उसका मेरे को फ़ोन आया, उसका भी मैंने डाला है उसका, तो वो अच्छा कंसल्टेंट ने उसके कहता कि पैसे हम वापस कर देंगे, 50,000 में से 40,000 वापस हो गए, हाँ, यस, देखा वो वीडियो, यस, वो दस बड़ा अच्छा हजार लगा था दस देखा। हजार फिर भी रह गए, मैंने कहा चलो भाई कुछ तो मिला तो रह गए, लेकिन अभी भी वो जनाब फिर वही घूम रहे हैं, दूसरे कंसल्टेंट से घूम रहे हैं कि और कोई जॉब है, मैंने कहा लेकिन अब वो उसको मैंने बता दिया है कि ये सवाल पूछना है, कम से कम आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगी कि आप किसी गलत, क्योंकि इंडिया में काफी आम है कोई भी कागज पे लिख के ऐसे दे देता है कि भाई आपको कनाडा से जॉब आ गई, और वो जॉब वहीं पे, वो फनी लगते हैं वो, जब आप फॉर्म शेयर करते हैं ना, मैंने कहा अरे ये क्या लिखा हुआ है। हाँ उनकी लैंग्वेज सुन के एक्चुअली बड़ी हंसी आती है, लेकिन उसी लैंग्वेज को लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं, और किसी से 2 लाख ले लिए, किसी से 5 लाख ले लिए, एक तो जनाब को पता नहीं कौन, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा उनका, उसको तनख्वाह दी कि आपकी तनख्वाह $10,000 है, तनख्वाह मिलेगी आपको, प्लस कार मिलेगी, प्लस आपको आने जाने के लिए ड्राइवर मिलेगा, प्लस इतना तो आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं मिल रहा सर हाँ महीने के कंपनी के करोड़ से। कॉम्पिटिशन मिलेगी, और मैंने कहा जॉब क्या है, और जॉब उसकी थी वो पैकिंग की या जॉब ऐसी कुछ वो अच्छा, थी समथिंग ऐसे, मैंने ओके, कहा नहीं सॉरी ना नॉर्मल पैकिंग, किसी स्टोर में जैसे होता है ना, जैसे वॉलमार्ट है जैसे, अच्छा, हाँ, जिसमें कोई स्टोर का काम करना, स्टोर में जो सामान लगाते हैं ना उनका काम करना था, मैंने अच्छा कहा कि अच्छा 10,000 डॉलर तो 10,000 तो हो सकता है कि उसके एमडी को ना मिलती हो 10,000 स्टोर की, तो हाँ ऐसे लोगों को वो करते हैं, पर एनीवे चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल पूछा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आप संतुष्ट हुए होंगे जो सवालों का आपको जो मिल गया, और आगे का एक डायरेक्शन खुल जाएगा आपके लिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, और काफी कुछ क्लियर हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओके टाइम, सर। ठीक है, ठीक है।